अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं रमजान स्पेशल में पानी वाली फुल्की। और उसके लिए हमें चाहिए बेसन 1 कप, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, कुछ धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। चलें स्टार्ट करते हैं। एक बड़े बाउल के अंदर हम ऐड करते हैं बेसन को, लाल मिर्च पाउडर, बेकिंग पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लें। और पानी थोड़ा थोड़ा मिक्स करके इसे गाढ़ा सा मिक्सचर बना लेंगे। अच्छी तरह आप इसको मिक्स कीजिएगा ताकि गुठलियां इसके अंदर जितनी भी हैं वो भी नरम पड़ जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। जितना अच्छा मिक्सर तैयार होगा फुल्कियाँ उतनी अच्छी मज़ेदार बनेंगी। बहुत चटपट सी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है, खट्टी मीठी। ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। थोड़ा सा इसको पतला करेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं। अब ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। इसे 2 से 3 मिनट तक रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं। फुल्कियों के लिए हमें खट्टे पानी की जरूरत होगी और उसके लिए हमने लिया है 4 ग्लास पानी। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1/2 पाव इमली है, इसको रात भर हमने 1 कप पानी के अंदर भिगो के रखा था। अब इसको शामिल करते हैं सादे पानी के अंदर। अच्छे से छान लेंगे। इमली का पानी हमने इसके अंदर शामिल किया है, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर जाएगा काला नमक 1 टेबलस्पून, पिंक नमक 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून। साथ ही मिक्स करते रहें, मिक्स कर लें। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा खट्टा पानी बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम साइड पे रख देते हैं। मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये तलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम फुल्कियों को डाल देते हैं। फुल्कियां हमारी तैयार हो रही हैं। साइड चेंज कर लेते हैं। ये हो चुके हैं, इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। ठंडा पानी हमने लिया है और ये फुल्कियां इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ज्यादा इकट्ठी मत डालिएगा, बस 1 से 2 मिनट तक इस पानी के अंदर इनको हम निकाल लेंगे। ये बिल्कुल हो चुकी हैं। अब इन्हें हाथ से हम प्रेस करके बाहर निकालते जाएंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी सारा इसमें से निकल जाए।
इमली के पानी के अंदर हम फुलकियां डाल देंगे। एक एक करके सारी फुलकियां हम पानी के अंदर रख देंगे। इसके अंदर आपने 1 घंटे के लिए इसको भगो के रखना है ताकि फुलकियां इमली के पानी को अच्छे से जज़ब कर लें। इसके अंदर जाएगा प्याज, राउंड शेप में हमने काट लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, इसकी खूबसूरत शक्ल निखर के सामने आई है। इसके ऊपर जाएगी सब्ज मिर्च, और आखिर में जाएगा हरा धनिया। हमारी चटपटी पानी वाली फुल्की बिल्कुल तैयार है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं और उसके बाद इस हल्की फुल्की फुल्की को इंजॉय करते हैं।